Hi everyone, welcome back to the Laravel 6.0 हिंदी वीडियो ट्यूटोरियल. और इस वीडियो में हम बात करेंगे कि फ्लैश क्या होता है, इसके बारे में पढ़ेंगे. ठीक है, तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जो इस वीडियो में डिस्कस करेंगे. सबसे पहले फ्लैश सेशन होता क्या है वो थोड़ा हिंदी में पढ़ेंगे हम और डिस्कस करेंगे थ्योरेटिकली. ठीक है, फिर एक फॉर्म बनाएंगे व्यू के अंदर, एक कंट्रोलर बनाने की ज़रूरत है और दो राउटर बनाने की ज़रूरत है. दो राउटर क्यों? एक एचटीएमएल फॉर्म के लिए, कंट्रोलर के लिए. ठीक है, और उसके बाद हम सेशन कोड लिखेंगे. ठीक है, और अगर आपको नहीं पता कि हम व्यू कैसे बनाते हैं, कंट्रोलर कैसे बनाते हैं, राउटर कैसे बनाते हैं, तो आप पिछली वीडियो देख सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, तो वो जरूरी है देखना अगर आप डिटेल में देख रहे हो तो. वैसे मैं इसके अंदर भी बना दूंगा, अगर आप समझना चाहो तो इस वीडियो से भी समझ सकते हो, बट डिटेल में देखने के लिए वहां देखना पड़ेगा. सो थ्योरेटिकल पहली क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं थ्योरेटिकल से कि फ्लैश सेशन क्या होता है. फ्लैश सेशन वन टाइम सेशन होता है. तो आपने कभी कभी देखा होगा ना, किसी कुछ साइट्स पे होता है कि जैसे ही आप डेटा सबमिट करते हो तो वहां पे आता है थैंक यू फॉर रजिस्ट्रेशन, योर रजिस्ट्रेशन हैज़ बीन सक्सेसफुली डन, ऐसे कुछ मैसेज आते हैं. ठीक है, और जब आप सेकंड टाइम रिफ्रेश करते हो तो देखते हैं कि वो गायब हो जाते हैं. ठीक है, एक तो तरीका होता है कि आपने उनको तरीके से हैंडल करो कि एक बारी पेज रिफ्रेश आ गया तो सेशन गायब कर दो और फलाना दिखामा, बट उस तरीके से नहीं करना है. यहाँ पे फ्लैश सेशन यूज़ करेंगे. और फ्लैश सेशन क्या करता है कि अपने आप में एक बार मैसेज दिखा के उसको गायब कर देता है. ठीक है, आप पेज पे गए, फॉर्म पे डाटा पे सबमिट करा, अगली स्क्रीन पे आपको दिखा देगा कि भाई आपका डाटा सबमिट हो गया है. और जैसे ही आप किसी और राउट पे जाओगे और डाटा सबमिट करोगे ना, तो आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, वो अपने आप वहाँ से फ्लैश हो जाएगा. ठीक है, तो अब हम इसको स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले हम फॉर्म बनाते हैं. फॉर्म बनाने के लिए हमें कहाँ जाना होता है, जैसे कि आपको पता है, रिसोर्सेज के अंदर जाओ, व्यूज़ के अंदर जाओ, यहाँ पे ब्लेड डॉट यूज़र डॉट ब्लेड डॉट पीएचपी बनी हुई है. छोटा सा कोड लिखा हुआ है इसमें, बट वो फॉर्म नहीं है. मैं अब पहले फॉर्म बना रहा हूँ. फॉर्म के लिए एक्शन क्या होगा मैं देखूंगा वो जब मैं राउटर बनाऊंगा. तो अब मेथड बता देता हूँ मैं इसका, और मेथड है इसका पोस्ट. पोस्ट डाटा सबमिट करेंगे. ठीक है, ज़्यादा फील्ड लूंगा नहीं मैं, फील्ड इसके अंदर दो ही लूंगा अभी के लिए. ठीक है, एक तो CSRF लूंगा. ठीक है, CSRF क्यों यूज़ करते हैं वो आपको पता होना चाहिए, पिछली वीडियो से आपने देख लिया होगा. ठीक है, और उसके बाद में मैं इनपुट लूँगा एक, और उसके अंदर नाम लिख दूंगा सिंपली, इसका नाम होगा यूज़र. ठीक है, और अब एक मैं बना लेता हूँ बटन सिंपल सा, और यहाँ पर लिख देता हूँ सबमिट डेटा. और ये बटन भी किस टाइप का होना चाहिए? सबमिट टाइप का होना चाहिए, तभी तो सबमिट करेगा. ठीक है, सो फॉर्म रेडी हो गया. अब हमें क्या है कि इसके हिसाब से हमें कंट्रोलर बनाना है. कंट्रोलर बनाने के लिए हम क्या करते हैं, कंट्रोलर बनाने के लिए हम लिखते हैं कमांड PHP artisan मेक कंट्रोलर. ठीक है, और कंट्रोलर का नेम, कंट्रोलर का नेम लेट से मैंने रख दिया यूजर्स और हिट कर दिया. ठीक है, तो अब आपको कहाँ मिलेगी ये फाइल, उसके लिए आपको जाना पड़ता है ऐप के अंदर, HTTP के अंदर, कंट्रोलर के अंदर, और इसको रिफ्रेश कर लीजिए और यहाँ मिल गई आपको users.php. तो यहाँ मैं एक फंक्शन लिख देता हूँ. फंक्शन आप लिख सकते हो जैसे कि मैंने बना दिया सबमिट नाम का, आपकी मर्जी, आप जिस मर्जी नाम से बना लो. ठीक है, और इसके अंदर जो रिक्वेस्ट आएंगी वो रिक्वेस्ट टाइप की होंगी, मतलब जो पैरामीटर आएगा वो रिक्वेस्ट टाइप का होगा. ठीक है, और req वेरिएबल उसको हैंडल कर लेगा इस फंक्शन के अंदर. ठीक है, मैं यहाँ पे प्रिंट करता हूँ अभी के लिए कुछ भी, जैसे कि $request, और यहाँ पे मैंने प्रिंट कर लिया इनपुट. ठीक है, इसके अंदर क्या आएगा, मैंने पिछली वीडियो में बताया था, इसके अंदर पूरे फॉर्म का डाटा आ जाएगा जो भी सबमिट कर रहा होगा. अब दोनों रेडी हो गए. अब क्या, अभी हमें राउटर भी तो बनाने हैं. राउटर बनाने के लिए हम जाएंगे राउटर्स फोल्डर के अंदर, web.php के अंदर. ठीक है, यहाँ पे मैं दो राउटर डिफाइन कर देता हूँ. एक तो होगा HTML फॉर्म के लिए, सो वो व्यू फोल्डर के अंदर है, तो और वो ब्लेड फाइल है, तो मैं यहाँ पे इसका नाम लिख देता हूँ व्यू, और इसका किस राउट पे एक्सेस करूँगा वो मैं लिख देता हूँ वही फॉर्म. ठीक है, और सेकंड पैरामीटर क्या रहेगा, यूज़र, जो उस फाइल का नाम है. और अभी मैं इसके साथ ही एक फाइल और रख लेता हूँ यहाँ पे, एक राउटर और ये होगा पोस्ट टाइप का. पोस्ट टाइप का कहाँ जाएगा, ये जाएगा कंट्रोलर पे. कंट्रोलर का नाम क्या है, यूज़र्स. @ फंक्शन नेम, फंक्शन का नाम क्या है, सबमिट. ठीक है, सब रेडी हो गया. अब हम चला के देखते हैं इसको. सबसे पहले मैं जाता हूँ फॉर्म पे. फॉर्म पे मिल गया, यहाँ से कुछ डाटा डालता हूँ, पीटर इसका नाम डाल दिया, एंटर करा, और इसमें भी कुछ प्रॉब्लम है, देखते हैं कि क्या है ये. ठीक है, तो सबसे पहले मैं जाता हूँ ब्लेड के ऊपर. हाँ,
वो क्या था, सॉरी ये पेस्ट हो गया यहाँ पे, ये था इसलिए क्योंकि हमने यहाँ पे राउटर नहीं दिया अब तक, तो हमें यहाँ पे सबमिट देना पड़ेगा क्योंकि हमारे राउटर का नाम है जो पोस्ट वाला जहाँ पे हम सबमिट करना है, कंट्रोलर मिलेगा हमें सबमिट पोस्ट के ऊपर। तो अब मैं इसको फिर से करता हूँ, ओके भाई मैं इसको दोबारा रिलोड करके करता हूँ, तो आप देख सकते हो सबमिट पे आ गया और इसको यूज़र भी मिल गया यहाँ पे पीटर, और एरे में टोकन भी मिल गया। ठीक है, अब हमारा काम होता है फ्लैश सेशन का। ठीक है, तो उसके लिए हमें क्या करना होता है, सबसे पहले हम जाएंगे यूज़र इसके अंदर कंट्रोलर में, और यहाँ पे एक फंक्शन लिखेंगे सीधा सा डॉलर रिक्वेस्ट के अंदर सेशन, और सेशन के अंदर हमें एक लिखना होता है फ्लैश फंक्शन। ठीक है, फ्लैश फंक्शन क्या करेगा, फ्लैश फंक्शन लेता है दो पैरामीटर, पहला पैरामीटर होता है उसका जो फ्लैश सेशन का नाम होता है वो, और दूसरा पैरामीटर होता है जो उसके अंदर हमें सेव करना है। ठीक है, तो ये की कह सकते हो, ये की हो गई उसकी और ये होगी वैल्यू। सो मैं यहाँ पर लिखता हूँ डाटा हैज़ बीन सबमिटेड, ऑलराइट, सो ये लिख दिया, और मैं अब इसको, अब मुझे पता कैसे चलेगा वो कौन सी स्क्रीन पे आएगा, तो उसके लिए मुझे इसको दूसरी स्क्रीन पे रिडायरेक्ट करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ रिटर्न रीडायरेक्ट, और रीडायरेक्ट के अंदर उसका नाम, मैं इसको वेलकम वाले पेज पे ले जाता हूँ सीधा। ठीक है, और वेलकम वाले पेज पे इसको गेट भी करना पड़ेगा, तो वहाँ पे जाने के लिए मुझे क्या कहाँ जाना पड़ेगा सब उसको लिखने के लिए इस वाले पेज पे, और यहाँ पे मैं ना जहाँ पे मैंने लिखा हुआ है फ्लैश सेशन आपको स्टार्टिंग में दिख रहा था उसके ऊपर H1 टैग बना देता हूँ, और यहाँ पे डबल करली ब्रैकेट्स के साथ में लिख देता हूँ सेशन स्कोप रेजोल्यूशन गेट, और गेट क्या करना है, की का नाम रखा था हमने डेटा, बस ये गेट हो जाएगा। ठीक है, अब मैं इसको सबमिट करता हूँ, यहाँ आपको डेटा मिल गया है। ठीक है, अब मैं जैसे इसको रिफ्रेश करूँगा ये गायब हो जाएगा यहाँ से। ठीक है, अच्छा एक बार फिर से ट्राई करते हैं फॉर्म के साथ में, मैंने नाम लिखा यहाँ पे पीटर, कुछ भी डाल दो ये जस्ट दिखाने के लिए है, और ये आ गया इसका नाम डेटा हैज़ बीन सबमिटेड सक्सेसफुली, रिफ्रेश करा ये गायब हो गया। ठीक है, और अगर आप चाहते हो कि इसके अंदर मैं पीटर दिखाऊं जो मेरा फॉर्म डेटा से आ रहा है, तो हम वो भी दिखा सकते हैं, उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा डॉलर रिक्वेस्ट इनपुट यूज़र। ठीक है, अब ये इसके अंदर ये भी दिख जाएगा, अब मैं यहाँ पे लगा देता हूँ फॉर्म, और मैंने यहाँ पे लिखा पीटर, सबमिट करा, पीटर आ गया यहाँ पे जो उससे फॉर्म से डेटा आया था। ठीक है, तो ये है सेशन के बारे में, तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट्स करो, सजेशंस दो, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और सब्सक्राइब मत करना मत भूलना, मैं सोच रहा हूँ कि अराउंड 50 वीडियो लेके आऊँ इसके ऊपर, अभी मेरी आई थिंक 10वीं 11वीं वीडियो होगी, तो अभी 40 वीडियोज़ और बाकी हैं, तो स्टे इन टच एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो अगेन।